हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? सो वी आर बैक अगेन. मैं डॉक्टर लोकेश दवे आपको आपके अपने फेवरेट होम्योपैथिक चैनल द वॉइस ऑफ होम्योपैथी में वेलकम करता हूं. फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डॉक्टर बर्नेट के थर्ड रीज़न की. सो बिफोर मूविंग टू द थर्ड रीज़न, हम लोग थोड़ा सा फ्लैशबैक करते हैं. डॉक्टर बर्नेट लीनियन बड़े हैं, एलोपैथिक डॉक्टर हैं, MD मेडिसिन, बट कुछ समय बाद वो वापस डाइवर्ट होते हैं टुवर्ड्स होम्योपैथी. वो क्यों हो रहे हैं उसके बारे में हम ये 51 एपिसोड्स की सीरीज शूट कर रहे हैं. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बताऊं कि फर्स्ट रीज़न जो था बैकअप में, कि फर्स्ट रीज़न जो था जिसमें जो लिटिल जॉर्जी था उसकी डेथ हो जाने के कारण डॉक्टर बर्नेट टूट जाते हैं और अपने घर जाने के बारे में सोचने लगते हैं, अपने फार्म हाउस पे प्रैक्टिस छोड़ने का मन में विचार आ जाता है. बट एक उनके फ्रेंड मिलते हैं जो उनको होम्योपैथी सजेस्ट करते हैं और फिर उनको एकोनाइट के कारण वापस फीवर, एक्यूट फीवर में बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलते हैं और वो वापस कम बैक करते हैं एज अ होम्योपैथ. सेकेंड रीज़न में डॉक्टर बर्नेट खुद की एक प्रॉब्लम से ग्रस्त थे, जिसमें प्लूरिसी के बाद का एक डल पेन, कॉन्स्टेंट डल पेन उनको था, कई सालों तक रहा, बहुत परेशान रहे, मगर आखिरकार होम्योपैथी ब्रायनिया की हेल्प से उनका वो प्लूरिटिक पेन 15 दिन में ठीक हो गया. सो दैट वाज द सेकंड रीज़न. और अब हम बात कर रहे हैं तीसरे रीज़न की. तो डॉक्टर बर्नेट टिकते हैं एकोनाइट और ब्रायनिया, ये दो जो मेडिसिन है ये बिग गन्स हैं होम्योपैथी की, और इसकी हेल्प से हम प्लूरिसी को बहुत हो गया, प्लूरिसी के आफ्टर पेन्स को बहुत अच्छे से, बहुत ही बेहतर तरीके से ट्रीट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू एलोपैथिक कंपेनियन. उसका एक किस्सा डॉक्टर बर्नेट नरेट करते हैं अपने थर्ड रीजन में. डॉक्टर बर्नेट बोलते हैं कि एक दिन मैं ऑफिस में बैठा था और एक कॉल आया कि हमारे पड़ोसी जो हैं उनको बड़ी पेन में है, कुछ प्रॉब्लम है, आप आइए और देखिए. और वो कोई बड़े नेताजी हैं वहाँ के सिटी के, अब बड़े नेताजी हैं तो घर जाना पड़ा डॉक्टर साहब को. सो जब डॉक्टर बर्नेट घर पहुंचते हैं तो वहाँ कुछ अलग सीन है. जो पेशेंट है उनकी वाइफ जो है उनको बहुत से लोगों ने, उनके फ्रेंड्स ने कंसल्ट किया हुआ है कि चूंकि एक सीरियस कंडीशन है तो आपको होम्योपैथी की ओर नहीं जाना चाहिए और आपको एक अच्छे एलोपैथिक डॉक्टर हैं उनसे आप ट्रीटमेंट कराइए तो वो ज़्यादा ठीक होगा. अब मैं घर पहुँच गया हूँ, बड़ी सिचुएशन ऑड है, बट जो पेशेंट हैं वो खुद होम्योपैथी में इंटरेस्टेड हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं, आई वांट टू टेक होम्योपैथी. और ये पहली बार है कि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर पुरुषों की भी चल गई और मैं उनको देखता हूँ, उनका केस लेता हूँ. तो जो समझ में आता है कि वो किसी पॉलिटिकल मीटिंग में गए थे और वहाँ से जब लौटे तो अगले दिन से पेन में है और बहुत सीवियर पेन है. और पेशेंट डॉक्टर बर्नेट से कहता है कि डॉक्टर, मैं दो रातों से सोया नहीं हूँ और बहुत पेन है मुझे, आप कुछ ऐसा करिए कि मुझे नींद आ जाए और मेरा दर्द कम हो जाए. तो डॉक्टर बर्नेट उनको एकोनाइट और ब्रायनिया स्ट्रॉन्ग पोटेंसीज में सजेस्ट करते हैं देख करके, और वापस आते हैं. अगले दिन जब वापस देखने जाते हैं घर पे तो पेशेंट की स्थिति बेटर है, स्टेबल, अगले दिन से बेहतर स्थिति में है. तो उसके बाद जब वापस लौटने लगते हैं तो डॉक्टर पेशेंट बोलता है कि सर, फैमिली मेंबर्स और एक मेरा फ्रेंड है, उनका भी थोड़ा सा दबाव है, एक फ्रेंड है उसको भी प्लूरिसी हुई थी और उसने कुछ एलोपैथिक मेडिसिन ली, अभी बेटर है पर उसको कुछ पेन है शोल्डर में, अभी भी बना हुआ है शोल्डर बैक साइड में. बाकी तो वो लोग सब सजेस्ट कर रहे हैं कि मैं होम्योपैथी छोड़कर एलोपैथी लूँ. तो अब डॉक्टर बर्नेट के चौंकने का समय था कि भैया कल इतने दर्द में था, मेरी मेडिसिन से कुछ आज आराम लग रहा है, तो बातें आ रही हैं. डॉक्टर बर्नेट उसको बोलते हैं कि तुम अपने फ्रेंड से कहना कि जब कुछ दिनों बाद मैं ठीक हो जाऊँगा और मैं आपको कॉल करूँगा, फिर हम आपके स्टेटस को कंपेयर करेंगे. तो होता यही है, वो इन्फ्लुएंस हो जाता है डॉक्टर बर्नेट से पेशेंट और कंटिन्यू करता होम्योपैथी के साथ में.
कुछ दिनों बाद वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है और अपने ऑफिस जाता है। और ऑफिस से जब लौटने का होता है तो उसको याद आता है कि डॉक्टर बर्नेट ने बोला था कि मैं उस फ्रेंड से चर्चा तो करूं कि क्या हुआ। तो उसने अपने फ्रेंड को कॉल किया, तो वो पूछा कि भाई क्या हाल है तुम्हारे, मैं तो ठीक हो गया हूँ, आज ऑफिस में हूँ, तुम क्या कर रहे हो। तो बोले यार मेरा दर्द तो अभी भी बना हुआ है। सो वो फ्रेंड को सजेस्ट करता है कि भाई अब तू सब छोड़ और जा होम्योपैथी डॉक्टर बर्नेट को दिखा और ये तेरे पेन की जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करा। तो नेक्स्ट डे मेरे पेशेंट का फ्रेंड फिर आता है और मैं उसको फिर होम्योपैथी मेडिसिन देता हूँ और बहुत जल्दी उसका वो पेन दूर हो जाता है। तो ये तीसरा कारण है, डॉक्टर बर्नेट लिखते हैं कि कांस्टेंट रिजल्ट्स के बाद मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि होम्योपैथी साइंस बहुत डीप है और अगर सही कर चॉइस हो, सही डायरेक्शंस में वर्क किया जाए तो बहुत फास्ट रिजल्ट्स हैं। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम इस अवेयरनेस को पहुंचा पाएं कि होम्योपैथी इज सेफ। और इस कोरोना टाइम में भी हम लोग लगातार देख रहे हैं कि बहुत अच्छे से कोरोना में के मरीज भी हमारे कुछ हॉस्पिटल्स ठीक कर रहे हैं। तब तक बी सेफ, बी सिक्योर, स्टे होम। बहुत ज़रूरी नहीं हो तब तक घर के बाहर ना निकलें। अपने बुजुर्गों का और बच्चों का ख्याल रखें। टेक केयर, सी यू सून, टिल देन बाय।